जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़। क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही है? एम आई ऑडिबल? विनीत कोषाग्र, लोक, भारत, पेशा, बल। तो आई बिलीव आई एम ऑडिबल टू एवरी वन। ठीक है, आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारे हिस्ट्री का, वो एक ट्रांजिशनल फेज़ है, और वो ट्रांजिशनल फेज़ में हमने दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को इंक्लूड किया है। एक एम्परर हर्षवर्धन और दूसरे राजपूत पीरियड। तो एम्परर हर्षवर्धन का जो है, देखिए ये जो दोनों टॉपिक्स है ना, दोनों इम्पॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एनडीए के सिलेबस और एनडीए में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसके हिसाब से ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते। तो यूँ अगर आप देखोगे सिलेबस में तो ये बड़े टॉपिक है, आप बोलोगे कि इसमें बहुत सारा हमको पढ़ना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है हम उतना ही पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है उतना ही हम पढ़ेंगे। तो ये दो टॉपिक्स को आज हम एक लेक्चर में पूरा करने की कोशिश। ठीक है, क्या मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही सभी को? दोबारा चेक करते, एम आई ऑडिबल नाउ प्रॉपरली? मैंने वॉल्यूम इंक्रीज़ करी है जस्ट अभी, तो हो सकता है कि 2 मिनट बाद मुझे आपका एक्नॉलेजमेंट आए। क्या मेरी आवाज़ आ रही? ठीक है, ठीक है। कोई कह रहा है वॉइस कम है, कोई कह रहा है वॉइस परफेक्ट है, बिट लो वॉइस। चलो ठीक है, मैं अपनी वॉइस रेज करके बोलने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है एम्परर हर्षवर्धन एंड राजपूत पीरियड। देखिए दोनों अलग अलग है, सबसे पहली बात तो ये। पोस्ट गुप्ता एज जो हम कहते हैं उत्तर भारत के अंदर, उसके अंदर दोनों चैप्टर आते हैं। अब एम्परर हर्षवर्धन सिर्फ एक इंडिविजुअल है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिन्होंने एक बहुत ही छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक एम्पायर का क्रिएशन किया था। और राजपूत पीरियड जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा पीरियड है, 650 AD से लेके 1206 AD के बीच में, जबकि भारत के अंदर कई मीडियम और स्मॉल साइज के किंगडम्स का इमर्जेंस हुआ था। दोनों को अलग अलग तरीके से हम देखेंगे, पहले हर्षवर्धन की बात करेंगे। लेकिन हर्षवर्धन की बात करने से पहले जो आखिरी चैप्टर हमने डिस्कस किया था गुप्तास का, वो तो कंक्लूड करेंगे और वहीं से इस स्टोरी को, हर्षवर्धन की स्टोरी को हम आगे बढ़ाएंगे। अब देखते हैं क्या था इसमें। गुप्तास के बारे में हमने देखा था कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, गोल्डन पीरियड भी कहलाता था वो इंडिया की हिस्ट्री का। लेकिन फिर एक ऐसा फेज आता है जबकि हूणों के रिपीटेड इन्वेजन्स होने शुरू होते। अब जब ये हूणों के रिपीटेड इन्वेजन्स होने शुरू होते तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने शुरू होते हैं गुप्तास के ऊपर। कमेंट में लिख के बताओ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं, कमेंट में लिख के बताओ दो वो रीजंस जिनकी वजह से हूणों के इन्वेजन गुप्तास के डिक्लाइन की वजह क्यों बने। हूणों के इन्वेजन गुप्तास के डिक्लाइन क्यों बने, गुप्तास के डिक्लाइन की वजह क्यों बने, दो रीजंस बताइए। 1 मिनट का टाइम में दे रहा हूं आप। देखिए मेरी आवाज तो मैं धीरे धीरे बढ़ा लूंगा। सिल्क रूट एग्जैक्टली नहीं कह सकते, सिल्क रूट क्या कह सकते, सिल्क रूट को थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बट हाँ, मैं समझ गया आपकी पॉइंट से। अरुणिमा, अक्कू, आप लोग कह रहे हो सिल्क रूट, क्योंकि सिल्क रूट ऐसा लिखो ना कि सिल्क रूट डिस्ट्रॉय हो गया था, उड़ों के इन्वेजन से सिल्क रूट का डिस्ट्रक्शन हुआ था, ऐसा लिखो। हाँ बिल्कुल, किसी ने सही लिखा था। और दूसरा दूसरा रीज़न क्या था? दूसरा रीज़न था जो मैंने उस दिन बताया था आपको कि हमारे जो कस्टमर्स थे, यानी कि रोमन्स जो हमसे आके गुड्स पर बाय करते थे, परचेज करते थे, रोमन्स का डिक्लाइन हो गया था। हूणों का हमला रोमन एम्पायर के ऊपर हुआ था और रोमन्स को हूणों ने हरा दिया था। तो सिल्क रूट तो हुआ ही डिस्ट्रॉय, उससे तो नुकसान हुआ ही, रोमन्स का भी डिस्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से दो तरफा आघात लगता है गुप्तास को इकोनॉमिकली। और एक बार कोई कंट्री इकोनॉमिकली गई तो फिर वो पॉलिटिकली भी गई और फिर मिलिटरीली भी गई, और हर तरह से वो गई कंट्री, समझ। इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो आचार्य चाणक्य ने
अपनी पॉलिटिकल बुक का नाम अर्थशास्त्र रखा था कि अर्थ से ही सब कुछ चलता है। तो गुप्तास के केस में, गुप्ता पीरियड के केस में, जब हूणों को तो हरा दिया गुप्ताज ने, लेकिन उनके इन्वेजन का नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि इकोनॉमी वीक हो गई। इकोनॉमी वीक होने की वजह से गुप्ताज का ग्रेजुअली डिक्लाइन हो गया। अब जब गुप्ताज का डिक्लाइन होता है तो एक बार फिर भारत के अंदर वही कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन, यानी कि कोई एक बड़ी पावर नहीं है इंडिया के बड़े इलाके में रूल करने वाली, कई छोटी छोटी पावर्स। और देखो, जब भी भारत में ये छोटी छोटी पावर्स या स्मॉल साइज के किंगडम्स डेवलप हो जाते तो ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं था। इंडिया के लिए अच्छा क्यों नहीं था, कोई बता सकता है एक लाइन में? हालांकि बहुत डिफिकल्ट है क्वेश्चन, बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है, बहुत सारा डिस्क्रिप्शन इसके लिए देना होगा। तो फिर भी क्या होता, मैं ही बता देता हूँ आपको कि छोटे छोटे किंगडम्स होते हैं ना, तो इंडिया पॉलिटिकली डिवाइडेड होता है, हर किंगडम की अपनी छोटी छोटी आर्मी होती है। तो ऐसे में हमारा कंट्री फॉरेन इन्वेजन के सामने बहुत वल्नरेबल हो जाता है, बहुत खतरे में आ जाता है, क्योंकि कोई एक बड़ी आर्मी नहीं है उसको डिफेंड करने के लिए। एक व्यापारी एक राज्य में जाएगा व्यापार करने, दूसरे राज्य में जाएगा फिर टैक्स लगेगा, तीसरे राज्य में जाएगा फिर टैक्स लगेगा, उसको उत्तर से मध्य भारत तक आने में 10 10 से 15 जगह टैक्स देना पड़ेगा। तो व्यापार में उसको कोई फायदा नहीं होगा, कोई एक स्ट्रांग आर्मी नहीं होगी, तो अगेन फॉरेन इन्वेजन के थ्रेट्स हमेशा बने रहेंगे। इसीलिए बार बार हम उन पीरियड्स को बहुत डीपली पढ़ते हैं जहाँ पर कि बड़े एम्पायर्स का क्रिएशन होता है, क्योंकि यही वो दौर थे भारत के इतिहास के जो स्वर्णिम दौर थे। तो उसी प्रोसेस में जब गुप्तास का डिक्लाइन होता है तो एक बार फिर चिंताजनक हालात डेवलप हो जाते हैं भारत के अंदर कि भाई अब क्या होगा, एक बार फिर छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज का राइज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ वक्त के लिए 606 AD से लेके 646 AD के बीच में, क्या मेरी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है? आई एम रियली सरप्राइज कि मेरी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। लेट मी चेक इट अगेन। बिल्कुल सही रितिका, क्लैशेस होते प्रोविंसेस के बीच में जिससे एनार्की बढ़ती है, आपस में जो है लड़ाइयाँ बढ़ती है, एनार्की बढ़ती है, व्यापार व्यवसाय के लिए माहौल जो होता है वो बहुत ख़राब हो जाता है। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें होती है जब कोई किंगडम छोटा हो जाता है या कोई इंडिया जैसे बड़ी कंट्री का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। पर फिलहाल मैं आवाज़ चेक कर रहा हूँ, क्या अभी मेरी आवाज़ ठीक है? प्लीज़ 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 लेट मी नो। आ रही है, एकदम परफेक्ट है। ठीक है, चलो अब तो परफेक्ट ही है मामा, परफेक्ट। ओके, थैंक यू फॉर द एक्नॉलेजमेंट। तो हम बोल रहे थे कि गुप्तास के डिक्लाइन के बाद एक छोटा सा फेज आता है इंडिया की हिस्ट्री में, 606 AD से लेके 646 AD के बीच में। इस फेज में एक पैरामाउंट पावर डेवलप होती है भारत के अंदर। इस फेज में एक पैरामाउंट पावर मतलब कि एक ऐसी पावर जो कई छोटी छोटी पावर्स को रूल कर लेती है, एक केंद्रीय शक्ति, एक ताकतवर केंद्रीय शक्ति का राइज होता है 606 AD में। और इस शक्ति को ही कहते हैं हर्षवर्धन, या फिर इसको वर्धन डायनेस्टी बोलते थे। हर्षवर्धन तो रूलर का नाम था, लेकिन इसी रूलर के नाम से इसे वर्धन डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि इसका राइज कैसे होता है। जब गुप्तास का डिक्लाइन हो चुका था और गुप्तास के डिक्लाइन के साथ ही छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था इंडिया में, तो फिर कैसे हर्षवर्धन का राइज होता है? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास में सोर्स है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे पास में हिस्ट्री में, हमेशा हमने ये बात करी है कि सोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस सोर्स से हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ पे जो सोर्स है हमारे पास में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इज हर्ष चरिता। हर्ष चरिता रिटन बाय बाण भट्ट। हर्ष चरिता रिटन बाय बाण भट्ट, BANBHAT। बाण भट्ट एक कोर्ट पोएट थे और इन्हीं कोर्ट पोएट ने एक लिटरेचर का क्रिएशन किया था, उस लिटरेचर का नाम था हर्षचरिता।
इसी हर्षचरिता लिटरेचर से हमको बहुत इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हासिल होती है, और ये इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमको हर्षवर्धन, एम्परर हर्षवर्धन के बारे में हासिल होती है। अभी ये जो नक्शा है आपके नज़र में आ ही गया होगा, ये जो नक्शा है इसकी आउटलाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये इतना इलाका था जहाँ पर एम्परर हर्षवर्धन ने अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन कर दिया था। इतना बड़ा इलाका था भारत, भारत में ये इलाका बहुत बड़ा होता है। प्रेजेंट डे पंजाब के इलाके इसमें आ गए, प्रेजेंट डे हरियाणा के इलाके आ गए, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश के सारे इलाके, प्रेजेंट डे बिहार बंगाल तक के इलाके, प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश का मैक्सिमम एरिया, प्रेजेंट डे गुजरात का एरिया और साउथ राजस्थान का थोड़ा सा इलाका। इतने सारे इलाकों, ये इलाके कोई कम नहीं है भारत के अंदर। इतने बड़े इलाके के अंदर एक एम्पायर का क्रिएशन हर्षवर्धन ने किया था, तो वो कैसे किया था? व्हाट व्हाट प्रोपेल्ड हर्षवर्धन फॉर दैट? क्या प्रोपेल करता है हर्षवर्धन को? तो ये जो कहानी हमको मिलती है ना हर्षचरिता से, एक बड़ी फिल्मी सी स्टोरी हमको यहाँ पे पता चलती है। अब स्टोरी ऐसी रहती है कि गुप्तास के डिक्लाइन के साथ ही गुप्तास के जो बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो इंडिपेंडेंस अज्यूम कर ले, और ऐसे ही एक फ्यूडल लॉर्ड इनके नॉर्दर्न इंडिया में रहते थे जहाँ पर इस इलाके को थानेश्वर कहा जाता था। इस इलाके को थानेश्वर कहते थे। आजकल ये इलाका थानेसर के नाम से जाना जाता है, पहले इस इलाके का जो पुराना नाम था थानेश्वर था, एक छोटा सा किंगडम था, और इस थानेश्वर नाम के किंगडम में रूल करते थे प्रभाकर वर्धन, उनके बेटे थे राज्यवर्धन, एक और बेटा था हर्षवर्धन, और एक बेटी थी राज्यश्री। राज्यश्री का मैरिज, जब राज्यश्री बड़ी होती है तो राज्यश्री का मैरिज कन्नौज के रूलर के साथ में कर दिया जाता है जिनका नाम गृहवर्मन था। तो राज्यश्री का मैरिज कन्नौज के रूलर गृहवर्मन के साथ हो जाता है, बहुत अच्छी बात थी, ठीक ही बात थी, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन इसके बाद फिर चीज़ें जो है हर्षवर्धन के लिए, उसकी फैमिली के लिए ख़राब होनी शुरू। सबसे पहली चीज़ ये ख़राब होनी शुरू होती कि इनके फादर प्रभाकर वर्धन की हेल्थ ख़राब हो जाती, बीमार पड़ जाते, और एक ऐसा पॉइंट आता है जबकि ही वॉज अबाउट टू लूज़ हिज लाइफ। यहाँ पर चीज़ें और ख़राब होती हर्षवर्धन के लिए। खराब यूं हो जाती कि इनकी मदर सती हो जाती, इनके फादर की डेथ होती, इनके फादर की डेथ के साथ ही इनकी मदर सती हो जाती हैं, जो सती के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस भी किया था कि एक ऐसी प्रैक्टिस होती थी कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ अ वुमन टुवर्ड्स हर हस्बैंड, जो वॉलेंटरीली होता था आइडियली, जबकि पति की मृत्यु के बाद में उसकी पत्नी उस पति की चिता के साथ जलकर ख़त्म हो जाती थी। इस तरह की प्रैक्टिस को एंशंट इंडिया में सती कहते थे। तो ये एक हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिवोशन माना जाता था एंशंट इंडिया के अंदर, हालांकि आप सभी जानते हैं कि बाद में चल के ये प्रथा जो है इसको बंद कर दिया गया था और इसके ऊपर बैन लगा दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से। आप जानते हैं बहुत अच्छे से, आपने पढ़ा होगा स्कूल में। बहरहाल उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था, तो वो सती हो गई। अब प्रॉब्लम ये हो गई थानेश्वर के किंगडम में कि भाई फादर नहीं रहे, मदर भी सती हो गई, राज्यवर्धन क्योंकि बड़े बेटे थे तो उनको राजकाज संभालना पड़ा, वो भी कोई बहुत ही एक्सपीरियंस नहीं थे, वो भी यंग थे, हर्षवर्धन और भी छोटे थे। राज्यश्री की तो शादी हो गई थी, वो अच्छी बात थी, लेकिन अब वहाँ से भी बुरी खबर आई। बुरी खबर ये आई कि उस समय बंगाल का रूलर था शशांक गौड़, और बंगाल के रूलर शशांक गौड़ ने कन्नौज के ऊपर हमला कर दिया। बंगाल का रूलर शशांक गौड़, नाम लिख देता हूं मैं ताकि आपको याद रहे, शशांक गौड़, कहाँ का रूलर? बंगाल का रूलर, और एक मालवा का रूलर था उसका नाम था देवगुप्त। क्या ये देवगुप्त गुप्ता डायनेस्टी का रूलर था? नहीं, नहीं पता ही नहीं, एग्जैक्टली नहीं पता हिस्टोरी, लेकिन हाँ ये दो रूलर्स थे, इन दोनों ने मिलके टू प्रॉन्ग्ड अटैक किया कन्नौज के ऊपर। ये कन्नौज के ऊपर इन्होंने हमला किया और कन्नौज के रूलर गृहवर्मन को मार डाला। दो लोगों ने मिलके कोएलिशन बना लिया, हमला कर दिया, अचानक हमला कर दिया, गृहवर्मन की डेथ हो गई। राज्यश्री वॉज टेकन एज कैप्टिव, राज्यश्री को कैप्टिव बना लिया, उसको प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया, और फिर ये खबर पहुंची थानेश्वर। तो थानेश्वर में ऑलरेडी जो दोनों भाई थे उन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया हुआ था,
तभी उनको एक और बुरी खबर मिलती कि उनका जो ब्रदर इन लॉ है, उनके जो जीजा जी हैं, उनको भी मार डाला गया है और उनकी बहन को बंदी बना लिया है। ऐसे में राज्यवर्धन मिलिट्री एक्सपेडिशन के लिए जाता है अपनी बहन को छुड़ाने के लिए और अपने ब्रदर इन लॉ का बदला लेने के लिए। इस प्रोसेस में वो देवगुप्त को तो मार डालता है, लेकिन शशांक गौड़ किसी तरह से उसको धोखे से मार डालता। तो अब हर्षवर्धन, जो कि थानेश्वर में बैठा हुआ था, बहुत ही कम उम्र का लड़का, उसको ये न्यूज़ मिलती है कि अब देखिए हर्षवर्धन की कंडीशन कितनी ख़राब है। यहाँ हर्षवर्धन की पेरेंट्स की डेथ हो चुकी, हर्षवर्धन के ब्रदर इन लॉ की डेथ हो चुकी, हर्षवर्धन की जो बहन है शी वॉज टेकन एज प्रिजनर ऑफ वॉर, और उसको बचाने के प्रोसेस में हर्षवर्धन का बड़ा भाई राज्यवर्धन भी मारा जाता है। और अब जो भी करना था हर्षवर्धन को करना था, और यहाँ से एम्परर हर्षवर्धन का राइज होता है। एम्परर हर्षवर्धन अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करता है, अपनी बची हुई आर्मी इकट्ठी करता है, और सबसे पहले अपनी बहन को ढूंढता और सबसे पहले अपनी बहन को ढूंढ के उसको सेफली थानेश्वर पहुंचाता है, और फिर हमला करता है वो किसके ऊपर, अगले फिर वो हमला करता है शशांक गौड़ के ऊपर, क्योंकि देवगुप्त को तो पहले उसका भाई मार चुका था, और शशांक गौड़ के ऊपर हमला करके उसको डिफीट करता है और उसको कन्नौज से खदेड़ता है बाहर। और इस प्रोसेस में थानेश्वर से एक्सपेंशन करता है हर्षवर्धन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में। कन्नौज प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है, तो वो थानेश्वर यानी कि हरियाणा से इस प्रोसेस में एक्सपेंशन कर बैठता है उत्तर प्रदेश तक। देखिए हर्षवर्धन एक ऐसा रूलर है इंडिया की हिस्ट्री में, मैं इसको एक ऐसे रूलर के तौर पर देखता हूँ जो ना चाहते हुए भी एक एम्परर बन गया। हमने बहुत सारे रूलर्स देखे, हमने चंद्रगुप्त को देखा, चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, समुद्रगुप्त को देखा, चंद्रगुप्त फर्स्ट को देखा, चंद्रगुप्त सेकंड को देखा, कई रूलर्स देखे हमने जो कि कॉन्क्वेस्ट करते हैं बड़े बड़े, और वो ऐसा इसीलिए करते क्योंकि वो ऐसा करना चाहते थे। लेकिन हर्षवर्धन एक ऐसा रूलर था जिसके कॉन्क्वेस्ट की शुरुआत कभी भी कॉन्क्वेस्ट करने के नाम पे नहीं हुई थी, कि कॉन्क्वेस्ट की शुरुआत एक बदले से हुई थी। और ये कहानी जो है हमको मिलती है हर्षचरिता से। यार आप लोग मेरे को बोल रहे हो कि वॉल्यूम इंक्रीज मैं करूं, अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है, प्लीज़ मुझे एक बार और एक्नॉलेज कर दीजिए कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ लास्ट टाइम जब आपने मेरे को कहा था कि आवाज़ आ रही है, का वैश डेस्टिनी एम्पायर, हाँ बोल सकते हैं डेस्टिनी एम्पायर, सही टर्म है डेस्टिनी एम्पायर, पर मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही यार, प्लीज़ लेट मी नो दिस। हाउ ओल्ड वॉज हर्षवर्धन? देखिए अलग अलग लिटरेचर्स अलग अलग उसके बारे में, लेकिन मेरे ख्याल से जो मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके बारे में, तो 16 से 20 साल की उम्र का था वो, आप लोगों की एज का ही था। एक्चुअली मेरी आवाज़ ही थोड़ी सी बदल गई है जुकाम की वजह से, इसीलिए आपको नहीं आ रही होगी, बट फिर भी आई होप कि आप सुनाई तो दे रही है मेरी आवाज़ आपको। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अनविलिंगली एक्सपेंशन शुरू किया, अनविलिंगली आगे बढ़ते गए, और अनविलिंगली, अच्छा इनका टारगेट जो था ना एम्पायर बनाना था ही नहीं, इनका टारगेट जो था वो सिर्फ ये था कि शशांक गौड़ को मारना है, बाप का भाई का सबका बदला इनको लेना था। तो ये जो है आगे बढ़ते हैं इस प्रोसेस में। अब शशांक गौड़ जो है ना प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में जहां तक भाग सकता था वो भागा, लेकिन हर्षवर्धन कन्नौज से उसको खदेड़ने के बाद बहुत ताकतवर हो गया था, क्योंकि कन्नौज की जो बची खुची फोर्सेस थी वो भी अब हर्षवर्धन के साथ जुड़ गई थी। तो थानेश्वर की फोर्सेस और कन्नौज की फोर्सेस अब हर्षवर्धन के अंडर में थी, और ये बड़ी ताकत बन गया था। लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव एक ही था, और ऑब्जेक्टिव था शशांक को मारना, बदला लेना था। अब शशांक बंगाल का था, शशांक ने देखा कि यार हर्षवर्धन तो इनविंसिबल हो रहा है गंगा के उत्तरी मैदानों में, तो वो गंगा के निचले मैदानों में यानी कि बंगाल के इलाके में भाग गया। लेकिन कन्नौज का ये रूलर हर्षवर्धन उसको चेज करता करता बंगाल तक पहुंच गया, और बंगाल में पहुंच के फाइनली उसकी घेराबंदी कर दी। ऐसी घेराबंदी करी शशांक गौड़ की कि फाइनली शशांक गौड़ को उसने मार ही डाला। एक ही रोड़ा था, एक ही रूलर था जो शशांक गौड़ को बचा सकता था, और वो जो रूलर था उसका नाम था आसाम का रूलर भास्कर वर्मन। हाँ
भास्कर वर्मन, ये भास्कर वर्मन दोस्त हुआ करता था शशांक गौड़ का। हर्षवर्धन को ये लगा कि शशांक अगर आसाम के पहाड़ों में भाग गया तो फिर उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर वो बंगाल के मैदानों में भागता है तो बंगाल के मैदानों में बच नहीं पाएगा, लेकिन अगर वो ब्रह्मपुत्र को पार करके आसाम के पहाड़ों में चला गया तो फिर उसको वाकई में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए हर्षवर्धन ने भास्कर वर्मन को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर तुमने शशांक गौड़ की मदद करी तो मैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे किंगडम के ऊपर चढ़ाई कर दूंगा। भास्कर वर्मन नहीं चाहता था कि हर्षवर्धन जैसी राइजिंग पावर से वो टक्कर ले, इसीलिए भास्कर वर्मन पीछे हट गया। शशांक गौड़ के पास अब छुपने के लिए कोई जगह नहीं बची थी और इसीलिए शशांक गौड़ पकड़ा गया और बाद में मार दिया गया। इस तरह से हर्षवर्धन ने अकॉर्डिंग टू हर्षचरिता लिटरेचर के हिसाब से शशांक गौड़ को खत्म कर दिया। लेकिन इस प्रोसेस में हुआ क्या, अनविलिंगली अननोइंगली इस प्रोसेस में हुआ क्या, इस प्रोसेस में ये हुआ कि प्रेजेंट डे हरियाणा से लेके प्रेजेंट डे बंगाल तक का इलाका ये पूरा हर्षवर्धन ने जीत लिया। अब इस इलाके का इम्पोर्टेंस क्या है, अगर आप जियोग्राफी में देखोगे इस इलाके को, ये पूरा प्लेन एरिया है, ये फ्लैट प्लेन्स है। आप इस इलाके को, जो विजिट, जो लोग इस इलाके में रहते हैं वो जानते हैं, जो लोग नहीं रहते हैं वो कभी विजिट करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे लंबे लंबे सपाट मैदानी इलाके, ये फ्लड प्लेन्स कहलाते हैं। आपने जियोग्राफी में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप पढ़ लोगे कि फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं। लेकिन ये इलाके भारत के ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल इलाके माने जाते हैं, खास तौर पे जो लोअर गैंजेटिक प्लेन्स है, जो बिहार से लेके बंगाल या बांग्लादेश तक के जो इलाके हैं ये बहुत फर्टाइल इलाके हैं, क्योंकि हर साल बाढ़ आती, पुरानी मिट्टी बहा ले जाती, नई मिट्टी बिछा जाती है, तो सॉइल की फर्टिलिटी यहाँ हमेशा बनी रहती है। हिमालय से निकल के आने वाली पेरिनियल रिवर्स हमेशा यहाँ के इलाके को इरिगेट करती है। इनको दोआब कहते हैं, बंगाल के मैदान, बिहार के मैदान, दोआब के मैदान, सिंधु के मैदान, ये सारे बहुत फर्टाइल इलाके हैं। हर्षवर्धन का इन पूरे फर्टाइल इलाकों को कॉन्कर कर लेना मतलब कि सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली सुपीरियर रूलर बन जाना था पूरे सबकॉन्टिनेंट के अंदर, क्योंकि एंशियंट टाइम्स के अंदर किसी रूलर का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम जो होता था वो होता था वो मिलने वाला एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को मिलने। इस लिटरेचर की लैंग्वेज संस्कृत है। वैसे आप जो लिटरेचर, कभी भी कोई भी लिटरेचर आप देखोगे ना, तो लिटरेचर का जो नाम होता है ना, लिटरेचर के नाम से ही आपको काफ़ी कुछ इंडिकेशन मिल जाएगा कि उसकी लैंग्वेज कौन सी है। तो ये वाला जो लिटरेचर है ना, इसका नाम है हर्षचरिता, ये ऐसे ही संस्कृत जैसा दिखाई दे रहा है ना, इसकी लैंग्वेज भी पूरी संस्कृत की लैंग्वेज है। तो ठीक है, मैं ये कह रहा था आपको कि जो मैदानी इलाके जैसे ही हर्षवर्धन ने पकड़ लिए तो इसको रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आने लग गया। रेवेन्यू ज़्यादा मतलब कि आप ज़्यादा ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकते हो, आप ज़्यादा बड़ी आर्मी रिक्रूट कर सकते हो, ज़्यादा बड़ी आर्मी यानी कि ज़्यादा कॉन्क्वेस्ट। तो जब शशांक से बदला ले लिया, उत्तर भारत के और पूर्वी भारत के मैदानों को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया हर्षवर्धन ने, उसके बाद हर्षवर्धन ने आगे की जो कॉन्क्वेस्ट थी वो विलिंगली करी। हर्षवर्धन ने कहा कि भाई आगे की कॉन्क्वेस्ट जो है, अब मैं, मेरी इच्छा है कि मैं आगे की कॉन्क्वेस्ट करूँ। और फिर उसके आगे की कॉन्क्वेस्ट हर्षवर्धन ने प्रेजेंट डे सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया के इलाकों को जीत कर करी थी। इस तरह से हर्षवर्धन ने अपना पूरा एक्सपेंशन किया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको हासिल होती है हर्षचरिता नाम के लिटरेचर से, जिसको लिखने वाले जो स्कॉलर हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है बाण भट्ट। बार लिख रहा हूं मैं ना, बाण भट्ट। बाण भट्ट एक बहुत बड़े पोएट थे। प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में एक जगह है रीवा नाम की, रीवा सीधी का इलाका है, एकदम फार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे, एक ऐसी जगह जहाँ उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सबकी बॉर्डर्स एक दूसरे के बहुत क्लोज है। वहां पे बाण भट्ट रहते थे, वहीं के वो रहने वाले थे, सोनभद्र नदी के किनारे। अभी भी वहाँ पर एक उनके नाम पे डैम बना हुआ है। बहुत बड़े स्कॉलर माने जाते हैं, और इन्होंने ही ये हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट भी थे, और इन्होंने ही हर्षवर्धन के लिए ये लिटरेचर का क्रिएशन किया था। तो हर्षवर्धन के बारे में सबसे पहला अचीवमेंट जो हम लिखेंगे, फर्स्ट अचीवमेंट, कॉन्क्वेस्ट ऑफ
कॉन्क्वेस्ट ऑफ गैंजेटिक प्लेन्स। तो हम नाम देते गंगा के मैदान, गंगा के मैदानों का जो इलाका है उसको उन्होंने जीत लिया। ये बड़ी कॉन्क्वेस्ट थी। सेकंड अचीवमेंट, सेकंड अचीवमेंट कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया के कॉन्क्वेस्ट का क्या सिग्निफिकेंस होता था एंशियंट हिस्ट्री में? देखिए क्या होता था कि जो ट्रेड होता था ना भारत में, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट ट्रेड होता था। तो ये कोई सा भी ट्रेड हो, चाहे आपको नॉर्थ से साउथ जाना हो या साउथ से नॉर्थ आना हो, आपको आना यहीं से होके पड़ेगा, सेंट्रल इंडिया, इधर से इधर। इंडिया के, इंडिया का चौराहा होता था ये। इंडिया का जो होता था ना, जिसको हम बोलते हैं ना चौराहा, स्क्वायर होता था इंडिया का, ट्रेडर्स के लिए खास तौर पे। ये जो जगह है ना वेस्ट, ये जो ये वाला हिस्सा है ना सेंट्रल इंडिया का, ये हिस्सा थोड़ा डिफिकल्ट हिस्सा है। इस हिस्से में बहुत घने जंगल और बहुत ही कठिन पहाड़ है सतपुड़ा के। इसीलिए ट्रेडर्स कभी भी दक्षिण से आते थे तो या तो वो बंगाल की तरफ निकल जाते थे ट्रेड करने के लिए, या फिर वो सीधे वेस्टर्न मध्य प्रदेश की तरफ निकलते थे, उज्जैन की तरफ निकलते थे। क्योंकि यहाँ पे सतपुड़ा में बड़े बड़े पासेस बने हुए हैं, दर्रे बने हुए पहाड़ में, गैप्स बड़े हैं जहाँ से ट्रैवल करके इजीली जाया जा सकता है। ये वाले इलाके में सतपुड़ा इतनी ऊंची है और पासेस बिल्कुल नहीं के बराबर हैं, यहाँ से सीधे नहीं जा सकते थे आप, तो आपको इधर से ही जाना पड़ता था। इसीलिए वेस्टर्न इंडिया का कॉन्क्वेस्ट किसी भी रूलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि ट्रेड रूट के एक्सेस के ऊपर उसका कब्जा हो जाता। उसको अगेन जो पासिंग बाय ट्रेडर्स होते थे ना, उनसे भी बहुत सारा टैक्स इनको हासिल होता था। तो सेंट्रल इंडिया के कॉन्क्वेस्ट की ज़रूरत इसीलिए क्योंकि वो चौराहा है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के व्यापार में। और वेस्टर्न इंडिया की इम्पोर्टेंस इसलिए क्योंकि आप देख सकते हो, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो पोर्ट के इलाके होते थे, जो ये तटवर्ती इलाके होते थे गुजरात के, यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड चलता था। हालांकि अब इंटरनेशनल ट्रेड वैसा नहीं बचा था जैसा रोमन्स के या गुप्तास के वक्त था रोमन्स के साथ में, लेकिन फिर भी इंडिया में इंटरनेशनल ट्रेड कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। अरब्स आते थे, पर्शियंस आते थे, ट्रेड करते थे। हूणों की, हूणों का इम्पैक्ट भी अब काफ़ी कम हो चुका था। तो इसीलिए ये वेस्टर्न इलाके भी हर्षवर्धन के पास में आए, जिससे उसको और इकोनॉमिक बेनिफिट मिला। ये इलाके भी उसके पास आए जिससे उसको इकोनॉमिक बेनिफिट मिला ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन इलाकों का कब्जे में आना मतलब बहुत सारा रेवेन्यू अर्न करना था। देखो बिल्कुल सही बात है, हिस्ट्री में जियोग्राफी का बहुत बड़ा रोल है और जियोग्राफी में फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है। फिजिक्स में पता नहीं किसका रोल है, लेकिन ये तीन सब्जेक्ट में जुड़ जाते एक दूसरे। फिजिक्स से जुड़ जाता है जियोग्राफी, जियोग्राफी से जुड़ जाता है हिस्ट्री, और हिस्ट्री से जुड़ जाता है करंट अफेयर्स। बहुत सारी ये सब सब्जेक्ट जो है पैरेलली चलते हैं। ठीक है, तो इनका फर्स्ट अचीवमेंट कॉन्क्वेस्ट ऑफ गैंजेटिक प्लेन्स, दूसरा अचीवमेंट कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया के कॉन्क्वेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या था ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इनका एक फेलियर भी था। नो वन इज़ परफेक्ट इन द वर्ल्ड, एवरी वन इज़ बाउंड टू फेल बाय वन और दी अदर वे। तो इनका भी एक फेलियर था। वो फेलियर क्या था? अब क्या था कि हर्षवर्धन अब इतने बड़े इलाके को जीतने के बाद में काफ़ी एम्बिशियस हो जाते हैं। हाँ भाई, फिजिक्स में मैथ्स का इंपॉर्टेंस है, और मैथ्स में किसका इंपॉर्टेंस? हिस्ट्री इज एकम्पनीड बाई जियोग्राफी, जियोग्राफी इज एकम्पनीड बाई फिजिक्स, फिजिक्स इज एकम्पनीड बाई मैथ्स, ऐसा आपने कहा। एंड मैथ्स इज एकम्पनीड बाई वॉट, पता नहीं। हाँ, तो इनके फेलियर की हम बात कर रहे थे। तो अभी तक तो हमने इनके अचीवमेंट्स देखे हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं इनके, लेकिन एक फेलियर था इनका। जैसे कि मैंने कहा कि इतना बड़ा इलाका जीतने के बाद में अब ये काफ़ी एम्बिशियस हो जाते हैं। अब ये बोलते कि मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा, जीत हासिल करूंगा। अब इस जीत को हासिल करने के लिए बढ़ते हैं दक्षिण की तरफ, डेक्कन की तरफ बढ़ते हैं, नर्मदा नदी को पार करके, नर्मदा रिवर को पार करके फर्दर साउथ की तरफ आगे बढ़ते, जहां पर एक बड़ा एम्पायर था। उस एम्पायर का नाम था चालुक्य एम्पायर। हमने पल्लव चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट की बात भी करी थी, पुलकेशिन सेकेंड की भी बात करी थी एक चैप्टर में, शायद पिछले या उसके पहले वाले चैप्टर में। तो ये एम्पायर हमने देखा था कि इस इलाके में एक ताकतवर एम्पायर था जिसको पल्लव कहा जाता।
पल्लव्स। अब अगला एम्बिशन हर्षवर्धन का ये था कि अपनी टेरिटरी को आगे एक्सपैंड करके पल्लवों के इलाके में फैल जाना, पल्लवों के इलाके में अपनी टेरिटरी को आगे बढ़ाना। लेकिन आई एम सॉरी, ये पल्लव नहीं थे, आप लोग मुझे करेक्ट भी नहीं कर रहे हो, मैं गलत बोल रहा हूँ, ये चालुक्य थे। तो ब्लैक में लिख देते, ये हैं चालुक्य। ये चालुक्य पावर इस इलाके में रूल करती थी, और यही इनका फेलियर था, इनकी लाइफ का एकमात्र फेलियर इनका यही था, ये हार गए, है ना। तो ये फेलियर लिख देते अपन, फिर फेलियर के बारे में बात करेंगे कि लॉस्ट अगेंस्ट, ही लॉस्ट अगेंस्ट पुलकेशिन सेकेंड, ही लॉस्ट अगेंस्ट पुलकेशिन सेकेंड समवेयर अराउंड 634 AD। इस साल के आसपास कोई लड़ाई हुई थी ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। नर्मदा नदी के किनारे कोई लड़ाई हुई थी, और इस लड़ाई में पुलकेशिन सेकंड के हाथों हर्षवर्धन की हार हुई थी। ये इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलती है? तो दिस इंफॉर्मेशन इज इंड फ्रॉम ए होल इंस्क्रिप्शन। तो ये इंफॉर्मेशन हमको ऐहोल इंस्क्रिप्शन से मिलती है। ऐहोल इंस्क्रिप्शन कहाँ है? ये कर्नाटक में है। अब ये कर्नाटक की जो ऐहोल इंस्क्रिप्शन है ना, ये कर्नाटक की ऐहोल इंस्क्रिप्शन क्या कहती है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? कर्नाटक की ऐहोल इंस्क्रिप्शन ये कहती है कि शाक्कलोत्तर पथेश्वरा को पुलकेशिन सेकेंड ने नर्मदा नदी के किनारे हुई एक लड़ाई के अंदर हराया। शाकलोत्तर पथेश्वरा, शाकलोत्तर पथेश्वरा टाइटल दिया गया था हर्षवर्धन को। शाकल उत्तर पथेश्वरा यानी कि उत्तर में शाकल तक के सभी पथों का स्वामी। शाकल, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सियालकोट नाम की जगह है, जो एंशंट कई फॉरेन किंगडम्स की कैपिटल रही थी, जो अब पाकिस्तान का सियालकोट शहर है। तो शाकल उत्तर पथेश्वरा मतलब उत्तर में शाकल तक के पथों का स्वामी, और ये हर्षवर्धन के लिए कहा गया। हर्षचरिता लिटरेचर में भी पुलकेशिन सेकंड के साथ हुई लड़ाई का जिक्र है, लेकिन उस लड़ाई के रिजल्ट का जिक्र नहीं है कि उसका रिजल्ट क्या हुआ। ऐहोल इंस्क्रिप्शन में भी उस लड़ाई का जिक्र है, लेकिन साथ ही साथ रिजल्ट का भी जिक्र है कि रिजल्ट क्या हुआ। रिजल्ट चालुक्यों के फेवर में गया, पुलकेशिन सेकंड के फेवर में गया। दोनों ही मैसिव आर्मीज थी और दोनों के बीच में घमासान लड़ाई हुई होगी, लेकिन देखो जीत किसकी हुई, हार किसकी हुई, ऐहोल इंस्क्रिप्शन कहती है चालुक्यों की जीत हुई, हर्षचरिता कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। हम ये मानते हैं कि अगर हर्षवर्धन जैसी बड़ी पावर आगे बढ़ने में नाकामयाब भी हो गई तो भी वो उसकी हार ही थी। तो होता ना, कोई बड़ी क्रिकेट टीम किसी छोटी क्रिकेट टीम, कोई छोटी क्रिकेट टीम किसी बड़ी क्रिकेट टीम के साथ में ड्रॉ मैच भी खेल ले, टेस्ट मैच ड्रॉ करवा ले, तो वो उसकी जीत के बराबर ही होता है। जिम्बाब्वे अगर इंडिया के अगेंस्ट मैच ड्रॉ करवा ले, वो तो जिम्बाब्वे के लिए जीत के जैसा ही होगा। तो वैसे चालुक्यों को मैं एकदम जिम्बाब्वे से कंपेयर भी नहीं करूँगा, क्योंकि एक बड़ी मिलिट्री पावर थी ये, छोटी मोटी मिलिट्री पावर नहीं थी। ह्वेन सांग जो कि चाइनीज ट्रैवलर आया था ना उस वक्त, उस ह्वेन सांग ने भी चालुक्यों की मिलिट्री पावर की बहुत प्रशंसा करी थी अपने लिटरेचर के अंदर। लेकिन फिर भी हर्षवर्धन एक बड़ी पावर था, फेवरेट था, और उसका आगे नहीं बढ़ पाना उसकी एक हार थी। नर्मदा रिवर हमेशा हमेशा के लिए दोनों ही किंगडम्स के बीच में एक बाउंड्री बन गई हमेशा। पुराने ज़माने में, एंशंट टाइम्स में, मिडाइवल टाइम्स में बॉर्डर्स ऐसे ही हुआ करती थी। पहले बॉर्डर्स ऐसे नहीं कि ड्यूरेंड आके नाप गए, कि मैकमेहोन आके नाप गए, या रैटक्लिफ आके नाप गए। पहले ऐसे ही होता था कि नदी तक की इलाके हमारे, वो पहाड़ तक के इलाके हमारे, उसके
बाद तुम्हारा इलाका शुरू होता है, इसी तरह से बॉर्डर्स तय होती थी। तो नर्मदा रिवर दोनों की, नर्मदा रिवर बिकेम द सदर्न बाउंड्री ऑफ हर्षवर्धन एम्पायर। ठीक है, तो ये जो है, ये सारी हर्ष के बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी उसके पॉलिटिकल करियर में, वो अपन ने डिस्कस कर ली। अब इसका थोड़ा सा एक कल्चरल पार्ट है, वो भी अपन बात कर लेते हैं हर्ष की। वो कल्चरल पार्ट क्या है, वो है ड्यूरिंग हिज टाइम, ड्यूरिंग हिज टाइम वेन सांग, ये दोनों नाम है, आपको जो अच्छा रख लगे आप रख लेना इसका नाम, विजिटेड हुएन सांग, जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर था, भारत में विजिट करता है। अब ये चाइनीज ट्रैवलर भारत में क्यों विजिट करता है, तो हुएन सांग कौन था, ही वॉज अ बुद्धिस्ट, ही वॉज नॉट ओनली अ बुद्धिस्ट बट अ बुद्धिस्ट मॉन्ग, बुद्धिस्ट मॉन्ग था ये। ये बुद्धिस्ट मॉन्ग चाइना से ट्रैवल करके नॉर्थ वेस्टर्न सबकॉन्टिनेंट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से होते हुए इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आता है। यहाँ पे आके परमिशन लेता है, परमिशन लेके ये कहता है कि भाई मेरे को इंडिया विजिट करना है। तो देखो ऐसा है कि आज की तारीख में आप किसी कंट्री में जाओगे घूमने के लिए, आपको वीज़ा वगैरह लगेगा। कुछ कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती है जहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा होता है, लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज़ में आपको वीज़ा लगेगा, पासपोर्ट लगेगा। पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में क्या कोई भी मुंह उठा के किसी की भी कंट्री में घुसा चला आता था क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। पुराने ज़माने में भी कोई भी मुंह उठा के किसी के भी कंट्री में घुसा चला नहीं आता था। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे सपोज हुआन सांग आया। अब हुआन सांग जब आएगा तो सबसे पहले बॉर्डर पे आएगा, तो सीधे कूद के कन्नौज में तो नहीं आ जाएगा हर्षवर्धन की कैपिटल में, बॉर्डर पे आएगा, है ना। कि उसको कोई वो पैरा पैरा कमांडो तो है नहीं कि उसको कोई पैरा ड्रॉप कर देगा कन्नौज में, तो सबसे पहले बॉर्डर पे आएगा। बॉर्डर पे आने के बाद में जो भी बॉर्डर आउटपोस्ट होगी ना, वहाँ के सोल्जर्स को वो बताएगा कि मेरा नाम हुएन सांग है और मैं इंडिया विजिट करना चाहता हूँ। फिर वो उससे पूछेंगे कि क्यों विजिट करना चाहते, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो बताएगा कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव, उसने ये बताया कि मेरा ऑब्जेक्टिव है इंडिया के अंदर बुद्धिस्ट लिटरेचर्स जो बचे हुए हैं, कि बुद्धिज़्म का तो डिक्लाइन हो गया था भारत में लार्जली, लेकिन जो बचा खुचा बुद्धिज़्म है और उससे जुड़े हुए लिटरेचर्स हैं, उन सभी को मैं क्या करना चाहता हूँ, कलेक्ट करना चाहता हूँ और वापस चाइना ले जाना चाहता हूँ। तो जो बॉर्डर पे जो गार्ड्स थे, उन्होंने उसको बोला कि ओके ओके ठीक है, आप रुकिए यहाँ पे। ऐसे लोगों को रोकने के लिए बॉर्डर के पास में बहुत सारी डॉर्मेटरीज हुआ करती थी, जहाँ पर इस तरह के लोगों को रुकाया जा सके, तो वो रुकते हैं वहाँ पे। फिर इनके मैसेंजर्स कन्नौज ले जाते हैं ये पैगाम, फिर वहाँ पे ऑफिसर्स बताते हैं एम्परर को कि भाई ऐसा ऐसा एक बाहर का ट्रैवलर है, बुद्धिस्ट मॉन्क है, वो आना चाहता है, उसको परमिशन दे या नहीं दे। फिर वहाँ से सैंक्शन होती है परमिशन, फिर परमिशन धीरे धीरे गार्ड मैसेंजर्स के थ्रू पहुँचती वापस बॉर्डर गार्ड्स तक, फिर बॉर्डर गार्ड्स उसको अलाउ करते कि ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको मैसेंजर, आपको जो है परमिशन मिल गई है, अब आप जा सकते हो। तो इनको क्या, एक एक दो दो महीने तक रुकना पड़ता था, तो ये भी बेचारे रुके होंगे एक एक दो दो महीने तक, फिर इनको परमिशन मिली और फिर ये आते हैं, इंडिया के अंदर। लेकिन जब ये भारत में आते, भले ही परमिशन मिलने में इनको वक्त लगा, लेकिन जब ये भारत के अंदर आते तो इनको एम्परर हर्षवर्धन बहुत वार्मली वेलकम करते, कंसिडरिंग हिम एज अ स्कॉलर, इनको एक विद्वान मानते हुए, एक विदेशी विद्वान मानते हुए इनका स्वागत किया जाता है। यार ये आप मेरे से कैसी चीज़ें पूछ रहे हो, डोरेमोन नोबिता, ये तो मैंने तो नहीं देखे डोरेमोन, नाम सुने मैंने डोरेमोन और नोबिता के, पर मैंने ये देखा नहीं कभी, तो अगर ऐसा है भी उसमें कोई तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता डोरेमोन नोबिता क्या होता है, कार्टून है इतना पता है बस मुझे। ठीक है, हर्षवर्धन की कैपिटल संदीप कन्नौज थी। देखो शुरू में हर्षवर्धन की कैपिटल थानेश्वर थी, लेकिन जब उन्होंने कन्नौज को जीत लिया, बंगाल को जीत लिया, तो फिर इन्होंने जो कैपिटल अपनी बनाई ना, वो कैपिटल बनाई कन्नौज। अच्छा क्वेश्चन है ये, अब ये क्वेश्चन को मैं वापस पिछली स्लाइड पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि अब आने वाले कई सौ सालों तक भारत की जो राजधानी रहेगी वो कन्नौज रहेगी। इंडिया में कैपिटल्स थोड़ी थोड़ी शिफ्ट हुई हमेशा,
सबसे पहले हमने देखा था कि जब भारत में पहली बार एक बड़ा एम्पायर बना था तो कैपिटल पाटलिपुत्र पहले राजगृह हुआ करती थी, फिर राजगृह से ये शिफ्ट हुई और राजगृह से शिफ्ट होके पाटलिपुत्र होती है, फिर पाटलिपुत्र लंबे समय तक रही कैपिटल। मौर्यन पीरियड में भी पाटलिपुत्र रही, शुंग पीरियड में भी पाटलिपुत्र रही, इवन गुप्ता एम्पायर के दौर में भी पाटलिपुत्र कैपिटल रहती है एडमिनिस्ट्रेटिवली। कल्चरली उज्जैन बन जाती कैपिटल, लेकिन वो एक सांस्कृतिक राजधानी थी उज्जैन। जो एक प्रशासनिक राजधानी होती है ना, वो पाटलिपुत्र ही थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि एक बदलाव आता है, और ये बदलाव ये आता है कि कैपिटल जो है ना, ये जो सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स है भारत के अंदर, ये बदल के कन्नौज में आ जाता, बिल्कुल यहाँ पे, ये जो हाथ रखा यहाँ पे, ये उंगली रखी हुई यहाँ पे, यहाँ आ जाता है, एक कन्नौज शिफ्ट हो जाता है। अब जो कन्नौज शिफ्ट क्यों होता है, पाटलिपुत्र में कुछ कमी थी क्या कि वहाँ के नलों में पानी आना बंद हो गया था? नल तो नहीं होते थे उस वक्त, लेकिन सवाल ये उठता है कि पाटलिपुत्र से क्यों शिफ्ट हुई कैपिटल कन्नौज की तरफ? तो दरअसल बात ये थी, हम एग्जाम्पल लेते हर्षवर्धन का, पंजाब से लेके बंगाल तक के इलाके हर्षवर्धन ने कॉन्कर कर लिए। अब अगर वो पाटलिपुत्र में रह जाता तो फिर वो पंजाब के इलाकों से बहुत दूर हो जाता, या वो थानेश्वर में रह जाता तो वो बंगाल के इलाकों से बहुत दूर हो जाता। इसीलिए उस वक्त के रूलर्स एक ऐसी जगह ढूंढते थे जो बंगाल और पंजाब दोनों से लगभग इक्वल डिस्टेंस रखती हो, और उसके लिए सबसे बढ़िया टाउन था। अब आप बोलोगे कि मौर्यंस तो पाटलिपुत्र से इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट चला लेते थे, तो हाँ बिल्कुल चला लेते थे, क्योंकि उनका सिस्टम बहुत सेंट्रलाइज था, उनकी आर्मी बहुत बड़ी थी, और वो लोग का रिसोर्सेज इन रूलर से कहीं ज़्यादा था, तो वो लोग पाटलिपुत्र में बैठ के पूरा देश चला सकते थे। लेकिन ये जो नए नए रूलर्स आ रहे थे, भले हम हर्षवर्धन को एक ताकतवर रूलर मानते हैं, लेकिन मौर्यंस के सामने तो वो कुछ भी नहीं है, गुप्तास के सामने तो वो कुछ भी नहीं है, वो छोटा ही रूलर है गुप्तास के सामने। इसीलिए इनके जैसे मीडियम साइज के एम्परर्स के लिए ये आसान नहीं था कि एक कोने में बैठ के पूरा देश चला ले, इसीलिए उनको एक ऐसी लोकेशन पे होना होता था जहाँ पर वो ज़रूरत पड़ने पर अप डाउन कर सकें, जा सके अपने एम्पायर के अलग अलग हिस्सों में। और इसीलिए कन्नौज शिफ्ट हो गई कैपिटल, और आने वाले वक्त में क्योंकि कोई बड़ी पैरामाउंट पावर नहीं बनी, इसीलिए कन्नौज ही बनी रही एक मेजर पॉलिटिक्स का सेंटर। अगले कई सौ सालों तक, या मैं कई सौ साल बोल रहा हूँ बार बार तो मैं बोल ही देता हूँ कि अगले 600 सालों तक भारत के अंदर कन्नौज राजनीति का केंद्र बना रहा, जैसे कभी पाटलिपुत्र हुआ करता था, जैसे आज भारत में दिल्ली है, वैसे उस वक्त के भारत के अंदर कन्नौज हुआ करता। खैर ठीक है, ये बात थी, अब हम कल्चरल वाले पॉइंट पे वापस आ गए, तो पता नहीं मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया, लेकिन मैं वापस शुरू करता हूँ कि हुएन सांग बुद्धिस्ट मॉन्क विजिट करता है उत्तर भारत के इलाकों को, ऑब्जेक्टिव होता है बचे हुए बुद्धिस्ट लिटरेचर्स को गैदर करना और उसको चाइना ले जाना ना। एंड जैसे कि मैंने कहा कि ही वॉज वार्मली वेलकम्ड बाय राजस्थान, क्यों नहीं है इस एम्पायर में? देखिए राजस्थान का जो इलाका है ना, वो शुष्क इलाका हुआ करता था। राजस्थान के इलाके में आप तो जानते ही हो, आप तो जियोग्राफी भी पढ़े हुए हो, राजस्थान के बारे में कौन नहीं जानता कि वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ नहीं हैं, खेती बाड़ी के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, और हम बात करें एंशियंट मिडाइवल टाइम्स की, तो वहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम होती थी, और क्योंकि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वहाँ बहुत कम होती थी, रेवेन्यू भी वहाँ से बहुत कम आता था। और इसीलिए अगर हम इस नक्शे में भी देखते हैं ना, इस नक्शे में भी हमको ये राजस्थान का जो हिस्सा है ना, ये खाली दिखा खाली मिल रहा है, यहाँ पर हमको एक्सपेंशन नहीं दिखाई दे रहा। और ऐसे कई नक्शे आप एंशियंट इंडिया में देखोगे तो ये इलाका खाली पड़ा हुआ रहेगा, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत लो हुआ करता था यहाँ पे। राजस्थान का ईस्टर्न इलाका जो कोटा बूंदी और उसके आसपास के इलाके, और राजस्थान का सदर्न इलाका जिसको मेवाड़ बोलते हैं, ये राजस्थान के हरे भरे इलाके, इसके अलावा राजस्थान के ज़्यादातर इलाके ड्राई इलाके। आज की तारीख में तो कैनाल्स आ गई हैं बहुत सारी, और भी दूसरी तरीकों से इरिगेशन हो जाता है, तो आबादी है और सब कुछ है वहाँ पे, लेकिन उस ज़माने में वो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी वहाँ पे, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम थी और साथ ही साथ में रेवेन्यू बहुत कम मिलता था, इसीलिए रूलर्स एक्सपैंड नहीं करते थे उस इलाके में। ठीक है, तो मैं बार बार इस पॉइंट पे आके अटक जाता हूँ, अब मैं आगे ही बढ़ूंगा यहाँ से। तो हुएन सांग जो है भाई साहब विजिट कर देते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं, ऑब्जेक्टिव भी अब इनका क्लियर हो चुका है, तो आगे लिखते हैं हम, ही वॉज वार्मली वेलकम्ड
बाय हर्ष वर्धन। एम्परर हर्षवर्धन इनको वार्मली वेलकम करते, इनको पैट्रनाइज कर देते हर्षवर्धन की टेंशन मत लेना, अब तुम यहाँ पर जब हो जितने समय भी हो मैं देखूंगा तुम्हारा सब, खर्चे पानी की कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन मत लेना, कहाँ कहीं भी जाना हो कोई कुछ बोले तो मेरा नाम ले देना, मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन हर्षवर्धन ने इनको कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया और हर्षवर्धन ने इनको कंप्लीट पैटर्नेज प्रोवाइड किया कि आप जो भी काम करने के लिए आए हैं वो काम आप पूरा कीजिए, हमारे राज्य की हमारी सरकार की आपको पूरी सहमति है। फिर क्या होता है, वेन सांग विजिट्स ऑल द मेजर बुद्धिस्ट साइट्स इन इंडिया एंड नेपाल। भारत और नेपाल में जितनी भी मेजर बुद्धिस्ट साइट्स होती है सारी की सारी विजिट करता है वो इंसान, जहाँ जहाँ से जो भी उसको एविडेंसेस लिटरेचर वगैरह मिलते हैं वो सब कुछ वो लेके आता है, वो इकट्ठा करता है। और फिर इसके बाद आगे हम लिखते हैं ही वॉज ऑल्सो गिवन अ ग्रैंड फेयरवेल बाय एम्परर इन 642 AD। 600 भैया एट कन्नौज। जब इनका काम पूरा हो जाता है, ह्वेन सांग जब आके एम्परर हर्षवर्धन को बोलते हैं कि थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत मदद करी मेरी, अब मैं चलता हूँ यहाँ से, तो एम्परर हर्षवर्धन इनको बोलते हैं अरे ऐसे कैसे आप जा रहे हैं, भी आप रुकिए, आपका फेयरवेल होगा, फेयरवेल पार्टी देते इनको, ग्रैंड फेयरवेल होता है, फीस्ट होती, नगर के लोगों को बुला के खाना खिलाया जाता है, इनको गिफ्ट दी इनको इनको गिफ्ट दिए जाते, कहाँ गए ये, हाँ ये रहे, इनको गिफ्ट दिए जाते बहुत सारे, और उसके बाद इनको भेजा जाता है, ऐसा लगता है जैसे कोई दुल्हन को विदा कर दिया दहेज देके बहुत सारा, बिल्कुल वैसे इनको खूब सारे गिफ्ट देते हर्षवर्धन और गले वले मिलते रोते वोते इनके साथ में, और फिर इनको विदा करते हैं। और फिर फर्दर आगे हुए इंसान जो है चालुक्य की टेरिटरी में जाते हैं, चालुक्य की टेरिटरी से पल्लव टेरिटरी में जाते हैं, पल्लव टेरिटरी से श्रीलंका की तरफ जाते हैं, और वहां से सेल करके फिर चाइना की तरफ जाते हैं। रास्ते में हुए इंसान लुट जाते हैं, लुट जाते हैं मतलब सच में लुट जाते हैं, जो ये होते हैं ना जो आपने वो देखे होंगे पायरेट्स फिल्मों वगैरह में देखे होंगे, तो पायरेट्स आते हैं और पायरेट्स इनको पकड़ लेते हैं, और जितना भी इनको गिफ्ट मिला था भारत से सब लूट लेते हैं पायरेट्स, ये खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाते हैं, लिटरेचर ज़रूर ले जाते हैं, जिस मेन काम के लिए आए थे ऑब्जेक्टिव के लिए लिटरेचर ले जाने के लिए वो लिटरेचर ज़रूर ले जाते हैं, लेकिन जितनी दौलत इनको मिली थी जो गिफ्ट इनको मिले थे वो सारे के सारे गिफ्ट जो थे सब लुट जाते हैं इनके, पायरेट्स लूट लेते हैं समुद्र के अंदर। इस तरह हुएन सांग आते हैं और हुएन सांग चले जाते हैं लिटरेचर्स को इकट्ठा करके, और हर्षवर्धन इनको बहुत मान सम्मान देते हैं। अब इसके अलावा हर्षवर्धन का जो है दूसरा जो अदर कल्चरल दूसरा कल्चरल एस्पेक्ट है बिगिनिंग ऑफ बिगिनिंग ऑफ सिंहस्थ। हर्षवर्धन को एक क्रेडिट दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन खुद लॉर्ड शिव के एक बहुत बड़े भक्त थे, हर्षवर्धन खुद लॉर्ड शिव के एक बहुत बड़े भक्त थे, और हर्षवर्धन ने जिसको आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं वहां पर हर्षवर्धन ने डिक्लेयर किया, जो कि उसके एम्पायर के अंदर एक बड़ा शहर हुआ करता था, उसने डिक्लेयर किया कि हर 5 साल में एक बार शिव के सारे भक्त इस जगह पर मिलेंगे, शिव के सारे भक्त इस जगह पर मिलेंगे और रिजॉइस करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे लॉर्ड शिव को। और ये जो
ये जो इवेंट था जो हर 5 साल में इन्होंने करना शुरू किया था वो 643 AD में शुरू हुआ था अकॉर्डिंग टू द बुक्स, किताबों के हिसाब से। 643 AD में इन्होंने एक रिलीजियस फेयर ऑर्गेनाइज किया था, वे प्रयागराज में हर साल, नहीं सॉरी हर साल नहीं, हर 5 साल में एक बार शिव के भक्त मिलेंगे और शिव को सेलिब्रेट करेंगे। आगे चल के यही थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई होते हुए सिंहस्थ के नाम से मशहूर हो गया भारत के अंदर, और फिर ये हर 4 साल में होने लग गया, और प्रयागराज के अलावा हरिद्वार में भी होने लग गया, नासिक में भी होने लग गया, उज्जैन में भी होने लग गया। इस तरह भारत के अलग अलग कोने में ये इवेंट होने लग गई जहाँ पे शिव के भक्त मिलते थे। आप में से कई लोगों ने डेफिनेटली विजिट किया होगा कुंभ। हाँ बिल्कुल, कुंभ को भी कुंभ भी बोलते हैं उसको। आप में से बहुत सारे लोगों ने विजिट किया होगा, प्रयाग में विजिट किया होगा या हरिद्वार में विजिट किया होगा, उज्जैन और नासिक में भी विजिट किया होगा। डेफिनेटली एक ऐसा इवेंट है, अगर आप भारत में रहते हो तो आपको एक बार विजिट ज़रूर करना है, तो विटनेस ज़रूर करना चाहिए, बड़ा ज़बरदस्त होता है। बिल्कुल यहीं से कुंभ की स्टार्टिंग मानी जाती है। तो ये इनके कल्चरल अचीवमेंट्स थे। फिर हर्षवर्धन, हर्षवर्धन डाइड इन 646 AD। इनकी डेथ हो जाती 646 AD में, है ना, और उसके बाद ये एम्पायर सडनली ख़त्म हो जाता। ये बड़ा एक वो बात थी। देखो क्या था कि हर्षवर्धन ने बहुत प्रॉमिसिंगली राइज हुआ था, हर्षवर्धन का एक एम्पायर बनाने क्या बना ही दिया था हर्षवर्धन ने एक एम्पायर। लेकिन 646 AD में उसकी डेथ के बाद होना ये चाहिए था कि उसका कोई बेटा आना चाहिए था उसकी जगह, और वो बेटा उसको सक्सीड करते हुए उस एम्पायर को आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर्षवर्धन जब रूलर बने थे ना, तब हर्षवर्धन खुद बहुत छोटी उम्र के थे, तो जब इनकी डेथ हुई थी तभी ये कोई बहुत बड़ी उम्र के नहीं थे, और इनके जो बच्चे थे, इनके दो बेटे थे, लेकिन दोनों बेटे बहुत यंग थे। और इसी का फ़ायदा इनके एक मिनिस्टर ने उठाया, इनके एक मिनिस्टर ने इस बात का एक बहुत फायदा, इनके एक मिनिस्टर का नाम था अरुणाश्व, इनके इस मिनिस्टर का नाम था अरुणाश्व। अरुणाश्व नाम के मिनिस्टर ने इनके दोनों बेटों को और इनकी रानी को या तो मार डाला या फिर प्रिजनर बना लिया और खुद रूलर बन गया। अनफॉर्चुनेटली फॉर अरुणाश्व, वो खुद एक सक्सेसफुल रूलर नहीं बन पाया, और न अरुणाश्व का नाम बचा और न ही हर्षवर्धन के वर्धन डायनेस्टी का नाम बचा उसके बाद में। और फिर आ गया पीरियड 646 AD। 4 साल तक अरुणाश्व ने कोशिश करी जैसे तैसे इस एम्पायर को संभालने की, लेकिन शायद 4 साल में अरुणाश्व का भी एंड हो गया, और अरुणाश्व के एंड के साथ ही हर्षवर्धन के एम्पायर का भी अंत हो जाता है। और फिर शुरुआत होती है राजपूत पीरियड। राजपूत पीरियड जिसके बारे में हम, जब मैंने पहले लेक्चर्स लिए थे तब मैंने आपको बताया था कि राजपूत पीरियड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। अब ये दो पार्ट्स क्या हैं? एक मैं कहता हूँ अर्ली पीरियड और दूसरा ऑब्वियसली लेटर ही होगा। फिर तो जो अर्ली पीरियड और लेटर पीरियड है, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि फॉरेन ट्रैवलर्स जो होते हैं वो कम्युनिकेट कैसे करते थे। तो सबसे पहली चीज़ ये होती थी कि कोई भी फॉरेन ट्रैवलर्स, मतलब मैं मोस्ट ऑफ द केसेस में बात कर रहा हूँ, कोई भी फॉरेन ट्रैवलर जो आता था, तो जैसे हम पढ़ते कि हुएन सांग आए, तो हमको क्या विजुअलाइज होता है कि हुएन सांग अकेले ही चला आ रहा है, अकेला आ रहा है हुएन सांग, कुत्ते दौड़ रहे हैं उसके पीछे भौंकते हुए, हुएन सांग चला आ रहा है। ऐसा नहीं था ना। हुएन सांग आते थे कई लोगों के साथ। ये जो फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे ना, जैसे हमने बात करी कि ये क्या नाम है इसका, इंडिका किसने लिखी थी, मैगस्थनीज ने, मैगस्थनीज आए थे, तो हमको क्या लगता है अकेला आया था मैगस्थनीज? नहीं, ऐसा नहीं है। मैगस्थनीज के साथ और भी बहुत सारे लोग आते थे। साथ ही साथ हुएन सांग की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो ये, अच्छा एक एक तो ये चीज़ की अकेले नहीं आते थे, तो इनके साथ जो बहुत सारे लोग आते थे ना वो इंटरमीडिएट होते थे, जो कि जिसको हम बोलते इंटरप्रिटेशन करवा देते थे। दूसरी चीज़ ये होती थी
ये जो स्कॉलर्स आते थे, इन्हें पता होता था कि ये भारत आने वाला, तो ये पहले ही भारत की लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज ले लेते थे और उसके बाद भारत आते थे, तो कुछ कॉन्वर्जेशन तो ये खुद भी कर सकते थे, और कुछ के लिए इनके पास इंटरप्रेटर्स होते थे क्योंकि ये पहले से तैयार करके रखते थे और साथ में लेके आते थे, तो ये याद रखना आप। ठीक है, तो ये अर्ली एक पीरियड है राजपूत फेज का और एक है लेटर। जो अर्ली फेज है ना, वो 650 AD से लेके 950 AD के बीच में हम मान लेते हैं, और जो लेटर फेज है वो 950 AD से लेके 1206 AD के बीच में मान लिया जाएगा। तो राजपूत पीरियड को भी हम दो पार्ट में कैटेगराइज करके देखेंगे, एक 650 से 950 BC और दूसरा 950, सॉरी BC नहीं, AD, और दूसरा 950 से 1206 AD। अब बात यह है कि सबसे पहले अर्ली वाला फेज देखते हैं हम, अर्ली राजपूत। देखिए राजपूत पीरियड के बारे में, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 650 AD से लेके 1206 AD के बीच का फेज है, बहुत लंबा फेज है, एक ऐसा फेज जहाँ पर कोई एक बड़ी प्रोमिनेंट एक डायनेस्टी नहीं बन पाई, एक पैरामाउंट पावर नहीं आ पाई, एक ऐसा फेज है ये वाला। लेकिन इसको बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इसको बहुत ही इनकरेक्टली बहुत सारे ऐसे टर्म्स कहे हुए, जैसे कि कई इतिहासकारों ने इसके बारे में कहा है कि डार्क फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि डार्क फेज था। अब वो डार्क फेज क्यों कहते हैं उसको, इंडिया की हिस्ट्री का डार्क फेज इसलिए कहते हैं इंडिया की हिस्ट्री का इसको, क्योंकि इस फेज के अंदर कोई बड़ी पैरामाउंट पावर नहीं थी, कई छोटी बड़ी साइज के किंगडम्स थे, लगातार एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ चलती रहती थी, फ्यूडलिज्म, फ्यूडल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो बहुत हावी था। लेकिन अगर आप ध्यान से स्पिरिट को पढ़ोगे, तो इसका जो अर्ली फेज है ना, अर्ली फेज ऐसा नहीं था। अर्ली फेज में बड़ी बड़ी एम्पायर्स थे, बड़ी बड़ी पावर्स थी, जिनके बहुत सारे अचीवमेंट्स थे। देखिए ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है हमारी पूरी हिस्ट्री के बारे में, कि हमारी हिस्ट्री को जिस तरह से डॉक्यूमेंट किया गया है, उस डॉक्यूमेंट करने के प्रोसेस में जो ग्लोरी है इंडिया की हिस्ट्री की, खास तौर पे एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री की, जो ग्लोरी है ना, ग्लोरी को बिल्कुल कम करके दिखाया है। ऐसा क्यों है ये मैं नहीं जानता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किताबों के, हमको देखो पढ़ाना वही पड़ता है जो आपको किताबों में लिखा हुआ है, जिस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो हमारी भी मजबूरी कि हमको वही पढ़ाना पड़ेगा जो कि किताबों में लिखा हुआ है, और समय हमारे पास इतना है नहीं कि हम पूरी ग्लोरी आपको बताएं। लेकिन फिर भी इन छोटे छोटे ट्रांजिशनल चैप्टर्स से चलते हुए, ये चैप्टर्स इतने बड़े हैं कि अगर हम पूरी फुल ग्लोरी के साथ में इसको बताना शुरू करें आपको, मैं अकेले राजपूत पीरियड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने गुप्ता पीरियड की भी बात करूंगा, मैं मौर्यन पीरियड की भी बात करूंगा, इतने ग्लोरियस फेजेस हैं, पोस्ट मौर्यन एज, सातवाहन्स एंड वॉट नॉट, कि एक पूरा साल निकल जाए इसके ऊपर पढ़ते पढ़ते, फिर भी चीज़ें नहीं हो पूरी, इतने अचीवमेंट्स हैं इस दौर के अंदर। बट वॉट एवर, फॉर्चुनेटली अनफॉर्च, फॉर्चुनेटली इसलिए क्योंकि आपको एग्जाम में कम पूछा जाएगा, अनफॉर्चुनेटली इसलिए क्योंकि हिस्ट्री के साथ इनजस्टिस हो गया, हमारे एंशंट रूलर्स के अचीवमेंट्स के साथ इनजस्टिस हो गया। लेकिन फिर भी इन ट्रांजिशनल चैप्टर्स में आगे बढ़ते हुए, जहाँ जहाँ भी मुझे याद आएगा और मुझे लगेगा कि ज़रूरी है कुछ अचीवमेंट्स बताने की, तो मैं ज़रूर बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई खास चैप्टर नहीं है आपके लिए, बट फिर भी अर्ली राजपूत पीरियड की हम बात करते हैं। तो इससे पहले कि पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरफ हम आगे बढ़े, तो हम बात करेंगे तीन बड़ी पावर्स की। 650 AD के बाद में जैसे कि पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है, और उस पॉलिटिकल वैक्यूम को भरने के लिए तीन बड़ी पावर्स आती हैं। पहली पावर जिसे हम राष्ट्रकूट कहते हैं, अब पहली मतलब ये नहीं कि इन ऑर्डर में बता रहा हूँ, अगर ऑर्डर्स में बताऊँ तो सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी आती। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के साथ साथ राष्ट्रकूट डायनेस्टी का भी राइज होता है, और उधर ईस्ट में पाल डायनेस्टी का राइज होता है जो कि बंगाल के अंदर होती। ये तीनों डायनेस्टीज राजपूत पीरियड के अर्ली फेज में बहुत बड़ी पावर हुआ करती थी। ये तीन ऐसी बड़ी पावर थी कि अगर आप ध्यान दो तो इन्होंने लगभग पूरे इंडिया को कवर कर लिया। जैसा कि राजपूत पीरियड के बारे में ब्रॉडली कहा जाता है कि कई किंगडम्स में डिवाइड हो गया था ये, और बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स थे,
ऐसा नहीं था। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में भी हम देखते हैं ना कि सातवाहन थे एक तरफ कुषाण थे, एक तरफ वेस्टर्न सीथियंस थे। सिमिलरली यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक तरफ राष्ट्रकूट थे, एक तरफ पाल थे और एक तरफ गुर्जर प्रतिहार थे। इन्होंने ना सिर्फ भारत का एक बहुत बड़ा इलाका, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया, ऑलमोस्ट आज के पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मैक्सिमम हिस्सा रूल किया था, एडमिनिस्टर किया था, गवर्न किया था, बल्कि साथ ही साथ ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर्स थी जिन्होंने उस समय फॉरेन इन्वेजन्स का ना सिर्फ डट के मुकाबला किया बल्कि उनको धूल चटाई और उनको खदेड़ा भारत से बाहर। तो वो कैसे क्या हुआ ये अपन देखते हैं। सबसे पहले अर्ली राजपूत पीरियड की मेजर पावर्स के बारे में बात करते हैं। तो मेजर पावर्स कौन कौन सी थी? पहली हमने बात करी गुर्जर प्रतिहार। अभी गुर्जर प्रतिहार जो है ना, ये टर्म है, इसके ऊपर भी बहुत जबरदस्त एनालिसिस है कि गुर्जर प्रतिहार क्या है। क्योंकि प्रतिहार बहुत सारे राजपूत ये क्लेम करते कि परिहार है, बहुत सारे गुर्जर ये क्लेम करते कि ये गुर्जर हैं हम, तो ये एग्जैक्टली क्या है इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा मंथन है, लेकिन अपन अगेन उसमें नहीं जाएंगे। दूसरी पावर यहाँ पे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट और तीसरी पावर पाल। ये तीन मेजर पावर थी जो 650 AD से 950 AD के बीच में भारत के एक बड़े हिस्से में रूल करती थी। और उसके बाद में हम देखते हैं आगे क्या होता है। सबसे पहले गुर्जर प्रतिहारों की बात करते हैं। गुर्जर प्रतिहारों की हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये आती है। क्या कहना चाह रहे हो नैव्यम पांडे? नैव्यम क्या कहना चाह रहे हो? क्योंकि ऐसा आपने किसी नहीं बोला, क्यों भी कहना चाह रहे हो कहो, अगर मैं पढ़ पाया तो जवाब दूंगा। सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक था, किस इलाके में ये डायनेस्टी एक्सपेंडेड थी? ये रुद्रमा देवी का सवाल। जी, एक तो ये ऐसे नाम लेके क्यों आते हो जी? आपका नाम अच्छा होगा ना, कुछ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने नाम के साथ आओ। रुद्रमा देवी तो बहुत बाद की कैरेक्टर है हिस्ट्री में, कभी वो वक्त आएगा तब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी जब अपने पीक पर थी तो उसका एक्सपेंशन कहाँ था। तो प्राइमरीली गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का जो मेन एरिया था, जिस इलाके में वो रूल करते थे, दिस वॉज दिस कलर से करूँ, ये जो इलाका है साउथ राजस्थान, गुजरात, नॉर्थ महाराष्ट्र, ये इलाका जो था ना, ये प्राइमरीली गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का रूलिंग एरिया था। प्राइमरीली शुरुआत जब इनकी हुई थी तब इस इलाके में गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी रूल करती थी, लेकिन जब वो एक्सपैंड हुए और एक्सपैंड होकर अपने पीक पर पहुंचते हैं, तब पीक पर पहुंचते हुए जो उनकी उनका जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो जाता है, वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन उनका बहुत बढ़ जाता है। जब राजस्थान के ईस्ट तक पहुंच जाता है, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश के सेंट्रल और ईस्टर्न इलाकों तक पहुंच जाता है, और इट इनकम्पास्ड ऑलमोस्ट एंटायर मध्य प्रदेश रीजन, लगभग पूरे मध्य प्रदेश रीजन में फैल जाता है। दिस वॉज द एक्सपेंशन ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। अगर आप रेड को इंक्लूड कर दो तो पीक पे, और शुरुआत में देखो तो ब्लू में, ये इनका एक्सपेंशन होता है। अब इनके जो मेजर रूलर्स और उनके अचीवमेंट्स हैं ना, मैं उन्हीं की बात करूंगा। इनके जो पहले मेजर रूलर हैं, क्योंकि इनके फाउंडर भी माने जाते हैं और इनके मेजर रूलर भी माने जाते हैं, दो मेजर रूलर हैं इनके, पर मैं एक का नाम लूंगा आपको यहाँ पे, और वो है नाग भट्ट। द फर्स्ट, जो कि 630 AD से लेके 660 या 670 AD के बीच में रूल करते हैं। इनका जो रूलिंग फेज होता है इसके बीच में होता है, एग्जैक्टली नहीं, समवेयर अराउंड इसके बीच में होता है, क्योंकि इन रूलर्स की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो अप्रॉक्सीमेट इन्फॉर्मेशन हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो नाग भट्ट फर्स्ट, ही वॉज द फर्स्ट मेजर रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी।
अच्छा, मेजर रूलर जब हम बोलते हैं तो मेजर रूलर हमेशा उसको बोलते हैं जिसकी कोई अचीवमेंट होते हैं। मिहिर भोज डेफिनेटली इस डायनेस्टी के एक बहुत बड़े रूलर हैं, लेकिन मैं नाग भट्ट को पर्टिकुलर, मिहिर भोज का ऐसे कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं थे। मिहिर भोज को जो कुछ भी मिल गया ना वो इनहेरिटेंस में मिल गया, और वो बहुत बाद के रूलर थे। लेकिन नाग भट्ट का जो अचीवमेंट है वो अनपैरेलल्ड है, वो बहुत ही, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है। वो अचीवमेंट क्या है? वो अचीवमेंट है कि डिफीटेड अरब इन्वेडर्स। ही डिफीटेड अरब इन्वेडर्स इन द बैटल ऑफ एक स्कॉलर, एक ब्रिटिश स्कॉलर है जिनका नाम है कर्नल, नाम है नहीं, नाम था कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड एक ब्रिटिश स्कॉलर थे जिन्होंने एक किताब लिखी है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजपूताना। उस एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजपूताना में उन्होंने जिक्र किया है इस रूलर का, और उन्होंने लिखा है कि ही वॉज द वन हु डिफीटेड अरब इन्वेडर्स इन अ सीरीज ऑफ फाइट विच ही नेम्ड एज बैटल ऑफ राजपूताना। इन अ सीरीज ऑफ फाइट विच ही नेम्ड एज बैटल ऑफ राजपूताना। देखिए होता क्या है, क्यों इसको मैं एक बड़ा अचीवमेंट मान रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि वो ऐसा वक्त था जब इस्लाम का राइज हो चुका था, और अरब्स इन द नेम ऑफ इस्लाम कॉन्क्वेस्ट पे कॉन्क्वेस्ट किए जा रहे थे। अरब्स ने सेंट्रल एशिया को जीत लिया था, अरब्स ने वेस्ट एशिया को जीत लिया था, अरब्स स्पेन तक पहुँच गए थे, अरब्स ने नॉर्थ अफ्रीका को जीत लिया था। और अब अरब्स का एम्पायर, अब आप जितने इलाके मैंने आपको बोले स्पेन से लेके सेंट्रल एशिया तक, कितना बड़ा एम्पायर अरब्स ने खड़ा कर लिया था। अब अरब्स की नज़र थी भारत में घुसने, और भारत का जो सबसे रिच इलाका है वो भारत के ये जो ये जो ये इलाका ना, भारत का जो केंद्र का इलाका, ये है इंडिया के रिचेस्ट इलाके, ये जो जहाँ पे मैं पूरा एनसर्कल कर रहा हूँ, इंडिया के रिचेस्ट इलाके। तो वो भारत के इन रिचेस्ट इलाकों में घुसने के लिए, क्योंकि वो अरब्स थे तो वो सिंध की तरफ से आए थे। अरब इन्वेजन की भी हम बात करेंगे, पहला अरब इन्वेजन मोहम्मद बिन कासिम का हुआ था, लेकिन वो अरब इन्वेजन की सीरीज़, एक इन्वेजन ऑन फॉरेन इन्वेजन इन इंडिया, उसकी एक सीरीज़ हम अलग बात करेंगे। लेकिन अभी इनके कॉन्टेक्स्ट में बताने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, इंडस की तरफ से उन्होंने एडवांस किया, और इंडस की तरफ से एडवांस करके सीधे वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया में इन्होंने एक बड़ा हमला किया। किसने? अरब्स ने। मोहम्मद बिन कासिम ने तो 712 AD में सिंध को जीत लिया, ये है सिंध, है ना, ये तो कॉन्कर हो चुका था अरब से। अब यहाँ पर अपना फर्म बेस बनाने के बाद में अरब्स आगे बढ़ रहे थे भारत के अंदर, और इसी प्रोसेस में इनका सामना होता है नाग भट्ट से, क्योंकि अरब्स के टारगेट में दो जगह थी, एक गुजरात और एक वेस्टर्न मध्य प्रदेश। ये दोनों ही इलाके बहुत प्रॉस्परस इलाके थे, बहुत रिच इलाके थे, खास तौर से उज्जैन शहर। तो उज्जैन के ऊपर हमला होता है जोरदार अरब्स का, अरब कमांडर अल जुनैद 20-25 हज़ार के ट्रूप्स लेके तेजी से घुस आता है कहाँ पे, उज्जैन के पास में। उज्जैन का रूलर नागभट्ट, नागभट्ट की कैपिटल उस समय उज्जैन हुआ करती थी, तो उज्जैन का ये रूलर बड़ी तेजी से अपने ट्रूप्स को आगे बढ़ाता है, और अपने ट्रूप्स को आगे बढ़ा के अल जुनैद के साथ में लड़ाई करता है। यहाँ पर ये देखने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है कि नाग भट्ट फर्स्ट के ट्रूप्स का नंबर बहुत कम था, 5 to 6 thousand के ट्रूप्स थे, और वहीं अल जुनैद के 25 से 30 हज़ार के ट्रूप्स थे, लेकिन उसके बाद भी नाग भट्ट स्विफ्टली डिफीट करता है उसको अपने स्ट्रेटेजी टैक्टिक से, एंड अल जुनैद फेल इन द बैटल फील्ड। अल जुनैद जो है बैटल फील्ड में मारा जाता है, ख़त्म हो जाता अल जुनैद बैटल फील्ड के अंदर। अरब्स की हार होती है, इसके बाद अरब्स का रिट्रीट होता है, और अरब्स के रिट्रीट के प्रोसेस में आज के राजस्थान के इलाके में कई ऐसे छोटे मोटे चीफ्टन्स और रूलर्स थे जो लौटते हुए अरब्स के ऊपर कई घात करते हैं और उनको बुरी तरह से हराते हैं। इतनी बुरी तरह से हराते हैं कि अरब्स भागते हैं, और अरब्स भाग के इंडस रिवर के उस किनारे पर जाकर बैठते हैं वेस्ट में, जो सबसे वाइड था, ताकि इंडियंस उसको पार करके नहीं आए।
क्योंकि इंडियंस जो होते थे ना इंडस रिवर को पार नहीं करते थे, हिंदू होते थे, राजपूत होते थे, क्षत्रिय होते थे, ये कोई भी सिंधु नदी को पार नहीं करते थे। वो मानते थे कि सिंधु नदी को पार करने के बाद धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो अरब्स ये बात जान गए थे, तो अरब्स इंडस रिवर के उस पार बैठ गए आके। उन्होंने बोला कि नहीं, हमको आगे बढ़ना ही नहीं। इतनी बुरी हार हुई थी नागभट्ट के हाथों अरब्स की कि उसके बाद दोबारा कभी भी अरब्स के भारत के अंदर इन्वेजन नहीं हुए। अरब्स सिंध तक लिमिटेड रहे, उसके बाद एक कदम अरब्स ने नहीं आगे बढ़ाया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त अचीवमेंट है ये, किसका? नागभट्ट फर्स्ट का, कि इन्होंने अरब्स को डिफीट किया इन अ सीरीज ऑफ वॉर, इन अ सीरीज ऑफ बैटल कॉल्ड एज बैटल्स ऑफ राजपूताना। ये अचीवमेंट क्रेडिट किया जाएगा नागभट्ट को। उसके बाद एक और दूसरी डायनेस्टी जो उस वक्त पावरफुल होती है वो होती है राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट डायनेस्टी की जो शुरुआत होती है, शुरुआत इनकी होती करना राष्ट्रकूट डायनेस्टी की शुरुआत होती है इस रीजन से, बिल्कुल गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के साउथ में जो इलाका था, इस इलाके से राष्ट्रकूट डायनेस्टी की शुरुआत होती, राइज होता है इनका। इनका जो फाउंडर होता है दंती दुर्ग, जब वो इस्टैब्लिश करता है इस इलाके में, इस्टैब्लिशमेंट होता है। लेकिन जब ये डायनेस्टी आगे बढ़ती है तो ये डायनेस्टी बहुत दूर तक फैल जाती है। इनफैक्ट गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी और राष्ट्रकूट, इन तीनों में सबसे बड़ी डायनेस्टी, अगर सबसे बड़ा एक्सपेंशन अगर किसी का रहा तो वो राष्ट्रकूट्स का ही रहा। ये एक्सपेंशन रेड कलर से इंडिकेट मैं करता हूँ, और ये एक्सपेंशन अगर आप देखोगे, एक्सपेंशन बहुत दूर तक जाता है, गोज एज फार एज अप टू प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश रीजन। कि इतना बड़ा एक्सपेंशन, इतने बड़े इलाके में फैलती है ये डायनेस्टी, तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी हुआ करती थी ये। साथ ही साथ इस डायनेस्टी के जो ग्रेटेस्ट रूलर हैं, इस डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर अमोघवर्ष, अमोघवर्ष फर्स्ट भी उसको बोलते हैं, 814 AD से लेके 878 AD तक रूल करता है। तो कोई रूलर नहीं जो इतना रूल करता है, इतना लंबा रूल करता है। दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में ये है कि ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ जैन रिलीजन। देखिए इंडिया के अंदर ये बड़ी गजब की बात हम देखते हैं एंशियंट टाइम्स में, कि रिलीजन जो होता था ना ये चॉइस से लेते थे लोग। राष्ट्रकूट डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी की जो अर्ली रूलर्स हुआ करते थे ये सब शैव होते थे, शिव को मानने वाले होते थे। इसी डायनेस्टी में कृष्णा फर्स्ट नाम का एक रूलर हुआ था जिसने एलोरा के मंदिरों का निर्माण करवाया था, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जो लॉर्ड शिव को डिवोटेड। उसी के खानदान में हम आगे देखते हैं कि एक रूलर आता है जो ग्रेटेस्ट रूलर माना जा रहा है, एंड ही इज फॉलोइंग जैन रिलीजन एंड स्टिल देर इज नो प्रॉब्लम। तो ये एक्चुअली जो लिबरलिज्म होता है ना, वो हमारे एंशियंट इंडिया में देखने को मिलता था हमको। एक ही खानदान के अंदर आपको अलग अलग रिलीजन के लोग मिल जाएंगे, एक ही खानदान के अंदर आपको अलग अलग रिलीजन फॉलो करने वाले रूलर्स मिल जाएंगे, एंड स्टिल वो दूसरे रिलीजन को रिस्पेक्ट करते थे और उनको पैट्रनाइज भी करते थे। ये ब्यूटी सिर्फ भारत के अंदर देखी जा सकती थी, वो भी एंशियंट टाइम्स में। ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ जैन रिलीजन एंड ही वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड स्कॉलर, ये बहुत अच्छे स्कॉलर थे, एंड ही रोट कन्नड़ पोएट्री, इसका नाम था कविराज मार्ग। अब आप बोलोगे कविराज मार्ग तो संस्कृत ही लग रहा है, कन्नड़ नहीं लग रहा, लेकिन हाँ कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे वर्ड संस्कृत, संस्कृत का बहुत मेल है कन्नड़ के अंदर, और इसीलिए इस लिटरेचर का नाम भी, जो फर्स्ट इसका जो नाम हमको इम्प्रेशन दिखाई दे रहा है वो संस्कृत का ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कन्नड़ पोइट्री में लिखा गया पहला लिटरेचर था जो कि इन्होंने लिखा था। और ये राष्ट्रकूट रूलर अमोघवर्षी थे जिनके दौर में ये टेरिटरी इतनी बड़ी दूर तक फैली हुई थी।
तो इस तरह से अमोघ वर्ष के बारे में अपन ने बात करी, इम्पोर्टेंट रूलर है, और उसके बाद बात करते हैं पाल डायनेस्टी की। पाल डायनेस्टी की हम बात करें तो पाल डायनेस्टी का जो ज़्यादातर एक्सपेंशन था वो एक्सपेंशन प्रेजेंट डे बंगाल और बिहार के इलाके में था। जब अपने पीक पर आई थी ये डायनेस्टी धर्मपाल के वक्त में, तो ये डायनेस्टी थोड़ा सा एक्सपैंड करती है और प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश के इलाकों में फैल जाती। तो ये डायनेस्टी कोई बहुत एक्सपेंसिव डायनेस्टी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक मेजर डायनेस्टी थी, एक बुद्धिस्ट डायनेस्टी थी। और ये बुद्धिस्ट डायनेस्टी होना ही इसकी एक खास बात है, तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। तीनों बार में चूक गया, रेड को वाइट नहीं कर पाया। पाल डायनेस्टी की सबसे खास बात, ओनली बुद्धिस्ट डायनेस्टी इन राजपूत पीरियड। इट वॉज द ओनली बुद्धिस्ट डायनेस्टी इन द राजपूत पीरियड जो इसको यूनिक बनाती है। एंड द ग्रेटेस्ट रूलर वॉज, ग्रेटेस्ट रूलर वॉज धर्मपाल। धर्मपाल इस डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है, जो कि 670 AD से लेके 810 AD के बीच में रूल करता है ना। तो ये ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है। इसके वक्त ही कॉन्कर्ड अ लार्ज एरिया इन ईस्टर्न इंडिया। एक तो ये पॉइंट है ध्यान रखने लायक, और दूसरा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस्टैब्लिश्ड बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर्स। इन्होंने बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर्स इन्होंने बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर्स के बारे को इस्टेब्लिश किया था। कौन कौन से बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर को इस्टेब्लिश किया था? औदन्तपुरी और विक्रमशिला। नालंदा तो था ही, है ना, नालंदा तो था ही, लेकिन क्या हुआ था हर्षवर्धन की डेथ के बाद में, हर्षवर्धन की डेथ के बाद में नालंदा यूनिवर्सिटी का कहीं ना कहीं जो पैटर्नेज था वो कमज़ोर पड़ गया था, तो इन्होंने रिवाइव किया था, ही रिवाइव्ड द नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात कर चुके, कुमार गुप्त ने इसको एस्टैब्लिश किया था। एम्परर हर्षवर्धन के दौर में ये यूनिवर्सिटी अपने पीक पर पहुंच गई थी, लेकिन एम्परर हर्षवर्धन की डेथ के बाद में इस यूनिवर्सिटी के पैटर्नेज में कमी आई थी, इसकी वजह से डिक्लाइन हुआ था। हुएन सांग भी नालंदा यूनिवर्सिटी में गया था और नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की तरह पढ़ा था, और स्टूडेंट की तरह पढ़ने के बाद में टीचर की तरह पढ़ाया भी था उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में, हुएन सांग ने, लेकिन हर्षवर्धन की डेथ के बाद में उसका डिक्लाइन हो गया था। उसको रिवाइव किया था धर्मपाल ने, धर्मपाल ने इसका रिवाइवल किया और इन दोनों यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन किया था। तो ये धर्मपाल से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट कल्चरल अचीवमेंट्स हैं। तीनों की टेरिटोरियल एक्सपेंशन हमने देख लिए। इससे ज़्यादा बहुत सारे मैं देख रहा था कमेंट्स में इस रूलर का नाम पूछ रहे थे, उस रूलर का नाम पूछ रहे थे। अगर इम्पोर्टेंट होता तो मैं बता ही देता आपको, लेकिन मैं सिर्फ एक एक जिसको कहते हैं ना कि सरफेस लेवल पर इंफॉर्मेशन देते हुए इन चैप्टर्स से आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमको फटाफट उन चैप्टर्स तक पहुँचना है जहाँ से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्वेश्चंस पूछे जाने की, ताकि हमारे पास ज़्यादा वक्त उस समय रहे और हम उन चैप्टर्स को डीपली डिस्कस कर सकें। इसीलिए ये चैप्टर्स जिसमें से क्वेश्चंस कम पूछे जाएंगे इसको मैं सरफेस लेवल पर टच करके आगे बढ़ रहा हूँ, पर इतना कि आप फैमिलराइज हो जाओ, किसी किताब में उसको पढ़ो तो आपको ऐसा नहीं हो कि आपको समझ भी नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। इसीलिए मैं छोड़ूंगा एक भी टॉपिक नहीं। तो इसी के साथ में आज का ये टॉपिक जो है
कर दे, पूरा हो जाता है। अच्छा, ये एक जो बड़ा सा नक्शा है, इस बड़े से नक्शे में हमको ये करना है कि राजपूत इन द पोस्ट, राजपूत इन पोस्ट 10th सेंचुरी AD, यानी कि 950 AD के बाद में कौन कौन से राजपूत डायनेस्टीज आती, क्योंकि ये राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार और पाल, इनका भी 950 AD तक आते आते डिक्लाइन हो जाता है ना। के बाद कौन कौन से, इनके डिक्लाइन के बाद में कौन कौन सी दूसरी पावर्स का इमरजेंस होता है, वो इस बड़े से नक्शे पे हम देखने वाले थे। लेकिन अब आज का समय पूरा हो गया है, तो आज तो इतना ही अपन करेंगे, और कल अपन देखेंगे बाकी इसके आगे कौन कौन से लेटर राजपूत पीरियड में कौन कौन सी मेजर डायनेस्टीज आती है और किस तरह से राजपूत पीरियड का एंड होता है। कल अपन देखेंगे। जय हिंद।